Your typical Bollywood biggie, completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. I think Johar बॉलीवुड के टॉप फिल्ममेकर्स में से एक हैं। करण ने बॉलीवुड को कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी मूवीज दी हैं। मगर करण जौहर को नेपोटिज्म की वजह से ट्रोल किया जाता है और करण जौहर अपने चैट शो कॉफी विद करण के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें वो सेलेब्स से नेस्टी क्वेश्चंस पूछते हुए नजर आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड सेलेब्स करण जौहर पर भारी पड़ते हैं और करण को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करण जौहर के अपने ही शो में उन मोमेंट्स की, जब बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हीं के शो में आकर उन्हें धो डाला और जमकर ट्रोल किया। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नेताओं की तरह आधा काम मत करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन कपूर मेरा दोस्त है। I he was friends with me even before he became an actor. You're not giving any of the options, date or dates. I don't know what you're doing. He's gumawing the question. कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर ने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि अर्जुन कपूर को अनुष्का शर्मा के लिए फीलिंग्स हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस ने करण के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि क्या आप जानते हैं कि अर्जुन कपूर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और अनुष्का शर्मा यहीं नहीं रुकी, अनुष्का ने आगे कहा कि आप अपने शो में किसी भी तरह की बकवास करते रहते हैं। Typical Bollywood biggie, completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. I think कॉफी विद करण के एपिसोड में जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात आई थी, तब कंगना ने करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बेयरर बोला था और यहाँ तक कि मूवी माफिया भी बोल दिया था, जिसके बाद करण की शक्ल देखने लायक थी। इसके अलावा कंगना ने उनकी पॉवर्टी डेफिनेशन पर भी एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि करण जौहर की गरीबी की डेफिनेशन और उनकी गरीबी की डेफिनेशन में अंतर है। I am just going to randomly wake him up at 2 in the morning just for revenge. Just like, "Hey, wake up now, go back to sleep." आपको बता दें कि कंगना सेन शर्मा ने एक माइक ड्रॉप वाला मोमेंट कॉफी विद करण में दिया था, जब करण ने कंगना सेन शर्मा से मोस्ट ओवररेटेड बॉलीवुड एक्टर के बारे में पूछा था, तो एक्ट्रेस ने जो जवाब दिया उससे बेटर कोई भी जवाब नहीं दे सकता। कंगना सेन शर्मा ने कहा, करण जौहर एंड डीडीएलजे। ये सब नए रिश्ते, रिलेशनशिप्स, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, इट्स सो एग्जॉस्टिंग यार। तो दुनिया की पहली या आखिरी बंदी नहीं है जिसकी शादी हो रही है। करीना कपूर खान ने एक बार करण जौहर को उनके शो में ओमनी प्रेजेंट कहा था। उन्होंने कहा था, तुम्हारे एक एड हर टीवी शो और चैनल पर नजर आते हो। मेरी माँ हमेशा कहती है कि वो जब भी टीवी चलाती हैं, करण जौहर हर जगह दिखता है। मीरा राजपूत ने करण को भी उनके ही शो में ट्रोल किया था। बता दें कि मीरा ने करण जौहर को रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर जैसे एक्टर्स को उनके टैलेंट के बेसिस पर ऑर्डर करने को कहा था, और ये लिस्ट सुनते ही शाहिद कपूर ने कहा, मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ। तब जो मीरा ने आंसर दिया वो आंसर बिल्कुल एपिक था। मीरा ने कहा कि करण जौहर ने कभी भी शाहिद कपूर को अपनी किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया। When I did उधार की जिंदगी, I realized that what he said was right at that time. जो उसने बोला था बिल्कुल सही था, because I burnt out as an actor. I was जब करण जौहर ने काजोल से कहा कि उन सेलेब्स का नाम बताओ जिन्हें एक्टिंग का क्रैश कोर्स लेना चाहिए, इस पर काजोल ने जो आंसर दिया उसके लिए करण जौहर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक्ट्रेस ने कहा, करण तुम है the sexiest actress in India today. I find Kangana very sexy. करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में आमिर खान से पूछा कि आपको इस इंडस्ट्री में कौन सी चीज सबसे ज्यादा नापसंद है। आपको बता दें कि जो आमिर खान ने इस पर जवाब दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आमिर खान ने करण को कहा, तुम्हारा शो। चलो, ये तो बात थी उन सेलेब्स की जिन्होंने करण के शो में आकर खुद करण जौहर को ही ट्रोल कर दिया। लेकिन अगर करण के वर्क फ्रेंड की बात करें तो हाल ही में करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच टकराव की खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से करण जौहर ने कार्तिक को अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं अगर करण के अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी फिल्म सूर्यवंशी, ब्रह्मास्त्र और लायगर जल्दी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं। इनके अलावा करण की कुछ और मूवीज भी हैं जिनके अनाउंसमेंट तो हुई हैं, लेकिन अभी तक उन मूवीज पर काम शुरू नहीं हुआ है। और इस लिस्ट में शामिल है तख्त मूवी, इसी साल एंड में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म पर काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ये सब नए रिश्ते, रिलेशनशिप्स, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, इट्स सो एग्जॉस्टिंग यार। तो दुनिया की पहली या आखिरी बंदी नहीं है जिसकी शादी हो रही है।